नमस्कार मित्रों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके लिए भारतीय प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ रहे थे और चूंकि आपको ध्यान देना है कि हम लोग पिछले क्लास में तीन प्रमुख नगर जो थे हड़प्पा सभ्यता के उनके बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम लोग जो हड़प्पा है मेन जो सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो हम लोग देख लिए थे, उसके बाद में मोहनजोदड़ो के बारे में देख लिए थे और तीसरा जो देखे थे हम लोग वो था चुनहोदड़ो। ठीक है, तो इन तीन नगरों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे और भी दो चार प्रमुख नगर है जिनके बारे में हम लोग को जानकारी सामान्य तौर पर रखना चाहिए अगर अपने आप को जीएस में कंफर्टेबल बनाना है तब। ठीक है, ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग पूरा एकदम डिटेल में इस क्लास को समझते हैं और आज हम आपको जो हड़प्पा के नगरों से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको करने में पूरा का पूरा एकदम सक्षम बना देंगे। चलिए ध्यान से सिर्फ समझिएगा आप लोग, आज का जो हम लोग का लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम लोग जिस नगर के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है लोथल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लोथल के बारे में स्टार्टिंग में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है कि लोथल जो है इससे सबसे पहले तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोथल किस राज्य में वर्तमान में स्थित है या वर्तमान में इसकी स्थिति कहां पर है, तो आपको ध्यान देना है। और आप लोग जैसे कि अगर जीएस में थोड़ा सा भी अगर आप लोग नॉलेज रखे होंगे तो इतना तो आपको जरूर पता होगा कि लोथल जो है ये आपको ध्यान देना है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह वाला इलाका था। ठीक है, बंदरगाह यहाँ पे स्थित था, बंदरगाह का यहाँ पे साक्ष्य मिला है और इससे आपको ये बात क्लियर हो जाता है कि हड़प्पा जो है कहीं ना कहीं तटीय इलाकों में स्थित होगा और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोथल जो है, लोथल आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में जो गुजरात राज्य है, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में जो गुजरात राज्य है तो उसके एक जिला है अहमदाबाद। ठीक ना, गुजरात के कौन जिला में जी, तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये वर्तमान समय में स्थित है, ये बात आपको क्लियर रखना है। ठीक है, ये सब बेसिकली आपको रेलवे वगैरह का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक, बीपीएससी या दरोगा रेंज में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको यहां से काम बनने वाला नहीं है। ठीक ना, तो इसके लिए आपको और डिटेल में चलना होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है और कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जो लोथल है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है भोगवा नदी के किनारे है। समझ रहे हैं ना, लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है और कहां पे है, तो वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है अहमदाबाद जिला में। इतना क्लियर हुआ सबका ना, चलिए आप लोग अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे लोथल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देना चाहते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में किस नगर की खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता के, तो आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम बताए भी हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो स्वयं हड़प्पा था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा जो नगर है उसको सबसे पहले खोजा गया था और इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया गया था। ठीक, और दूसरा जो नगर खोजा गया था वो कौन था, तो वो था मोहनजोदड़ो। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो लोथल है, लोथल को चूंकि इसमें बहुत सारा ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, यहाँ पे जो है आप लोग को हमने बताया अभी जस्ट पहले कि यहाँ पे बंदरगाह स्थित था, बंदरगाह वाला ये मेन नगर था और इसलिए इसको आपको ध्यान देना है कि चूंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नगर था हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए इसको लघु हड़प्पा, ध्यान से समझिएगा जी, इसको लघु हड़प्पा या लघु
लघु मोहन जोदड़ो भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? ये इतना एकदम आपको याद रखना है, ये एकदम मेन आपका बेसिक अभी लेके चल रहे हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम डिटेल में लेके चलेंगे। और आपको अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको ध्यान देना है कि लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह वाला सिटी था मेन, आपको अभी बताए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान रखना है वो आपको नगर नियोजन के बारे में ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पिछले जो भी वीडियो बनाए हैं नगर नियोजन वाला वीडियो, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझने के लिए आप लोग देख लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप ध्यान से समझिएगा, नगर नियोजन वाला जो मेन वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बताया था कि आम तौर पे हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर होते थे ये दो भागों में विभाजित होते थे। कितना भाग में? दो भाग में, ठीक ना? जिसमें से एक होता था दुर्ग और दूसरा होता था यहाँ पे पूर्वी टीला, ठीक ना? पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीले को ही हम लोग दुर्ग कहते थे। और पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया है नगर नियोजन वाला, तो उसमें मैंने आप सबको बताया है कि जो आम तौर पे हड़प्पा सभ्यता के नगर होते थे तो उनमें दुर्ग वाला जो मेन एरिया था इसको यहाँ पे चार दीवारी से या रक्षा प्राचीर से घिरा गया होता था, ठीक है? कौन टीला को घेरा गया होता था? तो जो पश्चिमी टीला था उसको जो है रक्षा प्राचीर से घेरा गया होता था, यानी कि दुर्गीकृत किया गया होता था, यहाँ पे चारों ओर बाउंड्री मारा होता था, ठीक। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये सामान्य तौर पे अधिकांश नगरों की स्थिति थी। तो क्या हड़प्पा में भी ऐसा ही कुछ होगा? ये सवाल तो बनता है कि क्या हड़प्पा में भी सिर्फ दुर्ग को यहाँ पे रक्षा प्राचीर से घेरा गया था? तो नहीं, हड़प्पा जो यहाँ पे लोथल जो है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा जो है शहर था, एकमात्र ऐसा नगर था लोथल, जहां पे पूरे नगर को, ध्यान से समझिएगा, पूरे नगर को, ये जो देख रहे हैं ना, जो पूरा का पूरा नगर है, इस पूरे नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। और आपसे परीक्षा में यही दुलरुआ क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का वैसा कौन सा नगर था जो एक ही रक्षा प्राचीर से पूरा का पूरा दोनों भाग घेरा गया था। तो आपको ध्यान देना है कि लोथल जो है, लोथल में जो दोनों टीले थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ये दोनों के दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घेरे गए थे। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझिएगा, आगे आपको थोड़ा सा और एकदम कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से समझिएगा। अब जो है एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि लोथल से कौन कौन से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करें अवशेष की कि यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए सैंधव सभ्यता के, तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहीं से बंदरगाह, ध्यान से समझिएगा, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो था आपका यहाँ पे लोथल। क्लियर है? दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि यहीं से धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान से समझिएगा जी, क्या क्या? तो धान और दूसरका वाला तो बाजरा, यानी कि धान और बाजरा जो फसल थे इन दोनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो यहाँ पे लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक। एक बात और ध्यान रखना है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो है चावल की खेती नहीं की जाती थी, धान की खेती नहीं की जाती थी, तो फिर अगर मिला हड़प्पा सभ्यता के नगर से तो ये स्पेशल तो होगा। कभी कभी आपको यहाँ पे डिबेट के विषय बन जाता है कि आखिर जब हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती होती ही नहीं थी तो धान के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो जस्ट यहाँ पे अभी पहले मैंने बताया है कि ये कैसा नगर था, बंदरगाह वाला नगर था, और बंदरगाह है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे अन्य जो स्थान है तो वहां से अन्य जगहों से यहाँ पे व्यापार होता होगा बंदरगाह के माध्यम से। और संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बंदरगाह पे जो जहाज रुकते होंगे दूसरे राज्यों के या दूसरे देशों के आकर के, तो उन्हीं जहाजों में संभवतः धान जो है उपस्थित होगा, और जिसके कारण यहाँ पे धान के अवशेष प्राप्त होते हैं, चूंकि यहाँ पे जहाज रुकते थे, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला चीज अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे और कौन से मिले,
तो आपको ध्यान देना है कि यहीं से तीसरा नंबर में समझिएगा, यहां से तीन गो युगल समाधि मिला है, युगल समाधि। अच्छा, युगल समाधि का मतलब समझ रहे हैं? युगल समाधि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पति पत्नी, ठीक ना, पति पत्नी दोनों को साथ में दफनाया हुआ मिला है, ठीक ना। युगल समाधि का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पति पत्नी दोनों को, युगल मतलब क्या हुआ, सिंगल मतलब क्या, सिंगल मतलब एगो, आज युगल अगर बोल दिया जाए तो मतलब क्या हुआ, युगल का मतलब हुआ कि दोनों जोड़ी, जोड़ी होता है, ठीक। तो यहाँ पे तीन गो युगल समाधि मिला है, यानी कि समझना है आपको कि तीन युगल समाधि का मतलब क्या है, कि तीन जगह तीन ऐसे कब्र मिले हैं जिनमें पति पत्नी दोनों को साथ में दफनाया गया था। और कभी कभी यहीं से एकदम घुमा के पूछेगा कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से सती प्रथा के होने का साक्ष्य मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पति पत्नी दोनों को दफनाया गया था, ठीक, इन कब्रों में। तो यहां से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहीं पे सती प्रथा का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि पत्नी को साथे दफना दिए, तो मतलब ये किसका यहाँ पे उदाहरण मिल रहा है, तो सती प्रथा का। हालांकि आगे चल के सती प्रथा का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, आगे चल के आप लोग देखेंगे कि सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को जिंदा जो है चिता पर जला दिया जाता था, और इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि पति के साथ जो है स्त्री को दफनाया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी सती प्रथा से मैच करता है, क्लियर है। चलिए और आगे देखिएगा, यहीं से धान के भूसी मिला है, धान मिला और धान के भूसी भी कहाँ से मिला है जी, तो धान के भूसी लोथल से मिला है। और सुनिएगा, चूंकि ये व्यापारिक नगर था इसीलिए यहाँ से दूसरे देश का मुहर भी मिला है, और ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमें फारस की मुहर मिला है। फारस एक देश था, ठीक ना, ईरान वाला मेन बेल्ट था, तो फारस की जो मुहर थी वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मनका उद्योग का कारखाना मिला है, साथ ही साथ यहाँ पे तांबा के कुत्ता मिला है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जी, समझिएगा क्या मिला है, तो तांबा से निर्मित तांबा का कुत्ता मिला है। तांबा से निर्मित कुत्ता का अवशेष कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और पूछेगा आपसे कि दिशा सूचक यंत्र या दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है कि दिशा मापक जो यंत्र था, ठीक ना, दिशा मापक यंत्र, तो दिशा मापक यंत्र भी आपको कहां से मिला है, तो ये मिला है आपको यहाँ पे लोथल से, ठीक ना। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोथल पूरा समझ में आ गया होगा। लोथल अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम आपको यहाँ पे एक अन्य हड़प्पा सभ्यता के नगर से परिचित कराते हैं जिसका नाम था कालीबंगा। यहाँ पे जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपको आगे लेके चलेंगे। चलिए हो गया, आगे देखते हैं अगले नगर के बारे में। अगला जो नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम था कालीबंगा। ध्यान से समझिएगा जी, क्या नाम है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे काली मतलब क्या है जी, तो यहाँ पे काली का मतलब है काला रंग, समझ रहे हैं। यहाँ पे काली का मतलब क्या है, काला रंग है, ठीक ना। अच्छा, बंगा का मतलब क्या है, बंगाल, क्या बंगा का मतलब, बंगाल नहीं, यहाँ पे कालीबंगा में बंगा का मतलब होता है चूड़ी, ठीक है। बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होगा जी, तो कालीबंगा का अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियां, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, तो काले रंग की चूड़ियां, क्लियर है ना। अब जो है थोड़ा सा डिटेल में चलिए, आपसे पूछेगा वर्तमान में इसकी अवस्थिति, कि वर्तमान में ये कहां स्थित है, ठीक। अगर वर्तमान स्थिति इसकी पूछेगा तो आपको ध्यान देना है कि राजस्थान राज्य का एक जिला है, ठीक ना, राजस्थान का एक जिला है
जिसका नाम है गंगानगर, ठीक ना। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम क्या है, गंगानगर। तो राजस्थान के गंगानगर जिले से ही काली बंगा नगर के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ बसे हुए थे, तो नदी के तट पे बसे हुए थे, तो आपसे ये भी पूछेगा कि यहाँ पे आपको जो काली बंगा जो जगह है ये किस नदी के तट पर था। तो ध्यान से समझिएगा, काली बंगा जो है ये घग्घर नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पे, तो ये घग्घर नदी के तट पर स्थित था। इसी को प्राचीन काल में सरस्वती भी कहा जाता था, हालांकि अब सरस्वती नदी जो है ये वर्तमान में लुप्त प्राय हो चुकी है, ये आपको क्लियर रखना है। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की, तो आप ध्यान से समझिएगा, जो काली बंगा है तो काली बंगा की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष जी जो हैं उन्होंने यहाँ पे काली बंगा की खोज की थी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इससे जस्ट पहले वाला जो मैंने पढ़ाया उसमें मैंने जो खोज करता थे उनका नाम नहीं बताया था, उसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे लोथल के खोजकर्ता की बात करें, समझिएगा ध्यान से, लोथल के अगर खोजकर्ता की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एस आर राव जो है, तो एस आर राव ने लोथल की खोज की थी, ठीक है। चलिए अब जो है काली बंगा से संबंधित एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये आपसे प्रश्न पूछे तो उसका भी आंसर क्या होगा, काली बंगा। यानी कि काली बंगा से ही सबसे पहले पहले भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। भूकंप के साक्ष्य आपसे पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको ध्यान देना है कौन सा होगा, तो वो होगा आपका काली बंगा, क्लियर है। काली बंगा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है, काली बंगा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां से शवों के अंत्येष्टि यानी कि दाह संस्कार के आमतौर पे तीन विधियां यहाँ पे प्रचलित थी, इसका प्रमाण मिलता है, इसके साक्ष्य मिले हैं। और ये कौन कौन सी विधियां थी ये भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, अंत्येष्टि, ठीक ना, अंत्येष्टि की विधियां, अंत्येष्टि की विधियां जो शवों के दाह संस्कार थे तो उसकी विधियां यहाँ पे आमतौर पे आपसे पूछेंगी। तो समझिएगा ये तीन प्रकार की विधियां यहाँ पे प्रचलित थी, कगो तीन गो, कौन कौन, तो एक गो जो था उसको हम लोग जानते हैं पूर्ण समाधिकरण के नाम से, ठीक है, पूर्ण समाधिकरण। दूसरका वाला क्या है जी, तो इसी को हम लोग कहते हैं आंशिक समाधिकरण, ठीक है, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो विधि प्रचलित था उसको हम लोग जानते हैं दाह संस्कार के नाम से, दाह संस्कार, ठीक ना, दाह संस्कार। तो क्लियर रखिए, इन दोनों में क्या किया जाता था, तो दफनाया जाता था। जो समाधिकरण की जो विधि थी इसमें क्या किया जाता था, शव को, तो इसमें दफनाया जाता था। जबकि दाह संस्कार की अगर बात करें तो इसमें शवों को जलाया जाता था, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कि काली बंगा जो मेन नगर प्राप्त हुआ, तो काली बंगा से कौन कौन से सैंधव सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए थे, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक ना। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें काली बंगा से प्राप्त अवशेषों की, ठीक है, काली बंगा से प्राप्त सैंधव सभ्यता के अवशेष, सैंधव सभ्यता के अवशेष, अगर हम लोग काली बंगा से प्राप्त सैंधव सभ्यता के अवशेषों की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि यहीं से आयताकार अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं, ठीक ना, आयताकार
अग्नि वेदियां, अग्नि वेदियां का मतलब समझ रहे हैं, ये सात को प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। अग्नि वेदिकाओं का मतलब हुआ हवन कुंड, ठीक ना। यहां से सात गो आयताकार हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, समझ रहे हैं। यहां से क्या मिला है जी, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक ना। जूते हुए खेत के साक्ष्य आपसे पूछे कि कहां से मिला, तो वो भी आपका हो जाएगा यहां पे कालीबंगा। तीसरा चीज ध्यान रखिए, यहां से सूती कपड़े की छाप प्लस में यहीं पे मिट्टी और कांच की चूड़ियां भी मिली है, ठीक ना। और यहीं से बेलनाकार मुहर मिले हैं, समझिएगा क्या क्या मिला है जी। तो बेलनाकार मुहर। अगला चीज क्या मिला है, तो ध्यान से समझिएगा। अगला चीज, यहीं से मिट्टी और कांच की चूड़ियां मिली हैं, क्या क्या मिला है, तो मिट्टी और कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, ठीक ना। मिट्टी और कांच की अगर चूड़ियों की बात की जाएगी तो कहां से मिला है, तो काली बंगा से मिला है। इसके अतिरिक्त यहां पे मिट्टी के खिलौने सिलबट्टा ये भी मिले हैं, ठीक ना। क्या मिले हैं, तो मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ठीक। और इसके अतिरिक्त यहीं से आपको ध्यान देना है कि यहीं से सिलबट्टे मिले हैं, ठीक ना। यहां से क्या मिला है जी, तो सिलबट्टा मिला है, क्लियर है। तो इतना चीज पूरा दिमाग में आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे फैक्ट की बात की जा रही है, तो संभवतः मुझे ऐसा अनुमान है कि आप सबको बोरियत भी महसूस हो सकता है, लेकिन आपको ये इतना बात याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं फैक्ट से पूछे जाते हैं। आपसे यही पूछेगा कि फलाना चीज जो है किस नगर से प्राप्त हुआ है, आपसे पूछेगा कि मिट्टी और कांच की चूड़ियां किस नगर से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, कालीबंगा होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको एकदम ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा, ठीक। अगला जो नगर हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है धौलावीरा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए अगला नगर कौन है जी, तो वो है धौलावीरा, ठीक ना। धौलावीरा नगर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अभी इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब गुजरात का मैप देखिएगा तो यहीं पे इधर वाला जो बेल्ट है ऐसे कुछ देखिएगा, और इसमें ये वाला जो मेन जो आप बेल्ट देख रहे हैं इसी को हम लोग कच्छ कहते हैं, ठीक ना। तो जो गुजरात का जो मेन कच्छ जो जिला है, ठीक ना, कच्छ जिला, और कहां, गुजरात। तो गुजरात का जो मेन कच्छ जिला है वहां पे ये जो धौलावीरा नगर आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीरा नगर था ये गुजरात के कच्छ जिला में वर्तमान समय में स्थित है। आपसे ये भी पूछेगा कि इसकी खोज किसने की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोजकर्ता की अगर हम लोग बात करें, खोजकर्ता की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जेपी जोशी जो हैं, ठीक ना, जेपी जोशी, तो उन्होंने सबसे पहले धौलावीरा के बारे में बताया था, ठीक है। यहां से आमतौर पे आपको इस नगर से धौलावीरा से बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, धौला का मतलब होता है सफेद, ठीक ना। धौला का मतलब क्या, सफेद, और वीरा का मतलब यहां पे होता है कुआं, ठीक ना, सफेद कुआं, ठीक।
तो आपको याद रखना है कि धौला बीरा का अर्थ क्या होगा, सफेद कुआं होगा, ठीक ना। और ध्यान से समझिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, आप अगर समझ ले रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा इसके बारे में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा जो हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि पिछला जब मैंने वीडियो बनाया था नगर नियोजन वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे, जिसमें से एक का नाम था यहाँ पे पश्चिमी टीला और एक का नाम था पूर्वी टीला, ठीक ना। ये अधिकांश नगरों की स्थिति थी, लेकिन धौला बीरा एक ऐसा जगह है जिसमें बीच में एक और टीला मिलता है और इसको मध्यम टीला के नाम से जानते हैं। यानी कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के कौन सा नगर जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर ऐसा था धौला बीरा जो तीन भागों में बटा था। यानी कि धौला बीरा में जो नगर था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो नगर था वो कितने भागों बटा था जी, तो तीन भागों में बटा था, तीन भागों में बटा था, ठीक ना, ये तीन भागों बटा हुआ था, समझ गए। चलिए अब जो है, अब मेन हम लोग यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के वो समझेंगे, वहां से बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम लोग अवशेषों की बात करें कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले पहले आपको ध्यान देना है कि यहीं से घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है जी, तो घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है यहीं से। दूसरा अगर हम आपसे बात करें तो यहीं से पशु की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक ना, पशु की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि कांसे से बनी हुई एक पशु की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एकमात्र जो हड़प्पा सभ्यता का क्रीड़ा मैदान था, समझिएगा, क्रीड़ा मैदान या स्टेडियम इसी को कह सकते हैं, आपसे स्टेडियम या क्रीड़ा मैदान दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट है स्टेडियम बहुत ज्यादा बढ़िया से समझेंगे, इसीलिए स्टेडियम पूछेगा। और स्टेडियम का नाम सुनते ही लड़का कहेगा, अरे हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम ये कैसे हो सकता है, वो जानता भी नहीं होगा बहुत सारा कि स्टेडियम को ही क्रीड़ा का मैदान कहते हैं, खेल का मैदान, ठीक। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिला है, धौला बीरा से मिला है। इसके अतिरिक्त यहीं से सबसे पहले पहले जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अभिलेख मिला है, ठीक ना, यहीं से क्या मिला है, अभिलेख मिला है। और उसके अतिरिक्त यहां से आपको एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, यहीं से आपको नेवला की मूर्ति मिला है, ठीक है, नेवला की मूर्ति मिली है, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण आपको प्रश्न थे जो आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से जो है नगर में प्रवेश द्वार के लिए साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना, साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड का साक्ष्य जो है वो भी कहां से मिला है, यहां पे धौला बीरा जो नगर था राजस्थान का वहां से मिला है, ठीक ना। तो ये चीज महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने अभी आपको बताया, और एक दो नगर बच गए हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, और दो महत्वपूर्ण नगरों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें से एक है बनावली, ठीक है, क्या है जी नाम, तो बनावली, समझ रहे हैं, बनावली नाम है उस जगह का, और इससे भी आपसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज कि बनावली की वर्तमान स्थिति आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये वर्तमान समय में हरियाणा का एक जगह है जिसका नाम है फतेहाबाद, ठीक है, क्या नाम है जी, तो फतेहाबाद नाम है, और कहाँ है, तो हरियाणा राज्य में है, ये चीज आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जो जगह है वहां पे आमतौर पे ये बनावली जो है ये वर्तमान समय में स्थित है, पहला चीज। दूसरा चीज इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये किस नदी के तट पर है, तो समझिएगा, बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक ना, कौन सी नदी, तो सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे है। हालांकि सरस्वती नदी जो है वो वर्तमान समय में पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, ये चीज आपको याद रखना है। तीसरा चीज इसमें याद रखना है कि इसकी खोज किसने किया था, ठीक ना,
तो ये आपको पूरी तरह से याद रखना है कि वनावली की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आरएस बिस्ट, ठीक ना, आरएस बिस्ट नाम था। और इन्होंने इसकी खोज जो है 1974 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1974 में। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद में यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अवशेष पूछे जा सकते हैं कि यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। और अगर हम आपको यहां से प्राप्त अवशेषों के बारे में बताएं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो अवशेष यहां से प्राप्त हुआ है, यहां पे हल की आकृति जो है प्राप्त हुई है। समझ रहे हैं ना, मिट्टी से निर्मित हल की आकृति यहां से प्राप्त हुई, पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम आपसे बात करें तो यहीं से जो है जौ के साक्ष्य मिले हैं। जौ वहां पे प्रमुख फसल उगाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो यहां पे बनावली से मिले हैं। तीसरा चीज ध्यान से समझिएगा, तांबा से निर्मित वड़ाग्र जो है ये प्राप्त हुआ है। वड़ाग्र का मतलब समझ रहे हैं? वड़ाग्र का मतलब होता है वाण का जो आगे वाला जो मेन नुकीला हिस्सा है उसी को वड़ाग्र कहते हैं। और तांबे से निर्मित वड़ाग्र की अगर बात करें कि कहां से प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, तो कौन सा जगह होगा? वो होगा आपका बनावली, ठीक ना। बनावली को कभी कभी बनवाली भी देगा परीक्षा में, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा चीज, यहां से भी अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं, ठीक ना। क्या प्राप्त हुआ जी? तो अग्नि वेदियां मतलब क्या? हवन कुंड, ठीक ना। तो ये प्रमुख चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नगर है जिसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। ये नगर जो है इसको हम लोग जानते हैं राखी गढ़ी के नाम से। क्या नाम है? तो राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि राखी गढ़ी वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा जो है, तो हरियाणा के हिसार नामक जगह पे स्थित है, ठीक है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार में स्थित है राखी गढ़ी, पहला चीज। दूसरा चीज, यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? तो वही सिंपल वाले, यहाँ पे जो है रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। क्या मिला है? तो अन्नागार और दूसरा चीज क्या जी? तो रक्षा प्राचीर, यानी कि जो दुर्ग वाला जो मेन सिस्टम था वो भी यहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहां से खोजकर्ता का नाम पूछ सकता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। और खोजकर्ता की अगर बात करें तो इसमें ध्यान देना है, इसकी खोज जो है वो सूरज भान, ठीक ना, सूरज भान ने किया था। और कब किया था? तो 1969 में किए थे, ठीक ना। ये चीज यहां से महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी तक मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख 8 नगरों के बारे में बताया, और भी कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे नगर हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में एक छोटे से टेबल के माध्यम से समझ लेंगे कि वो कौन से नगर थे, वर्तमान में कहाँ है, और उन नगरों की खोज किसने की थी, ये चीज हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए नए आए हैं वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर हमारे वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।